हाय। और कैसे मेरा ये ब्लॉग है इसलिए कि मैं जाता हूँ तबला सीखने। तो जो मैंने दादावाड़ी गुरुद्वारा दिखाया था आपको, वहाँ पे जो कीर्तन कर रहा था मेरा दोस्त, मेरा भाई देवेन, वो मुझे तबला सिखाता है। और वहाँ पे एक हमारे भाई और बने हैं ईश्वर भाई, वो रामगंज मंडी से आते हैं, तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ से पहले चलेंगे गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे से देवेंद्र के साथ चलेंगे तबला क्लासेस। और मेरी मम्मी को आप जानते ही हो, ये हमारी प्रोडक्शन है, इन्होंने मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है मेरे को, तो मैं आपको आज दिखाऊंगा। KGF का थर्ड कॉपी, थर्ड भी क्या, 3000वीं कॉपी मान लो। और चलते हैं पहले गुरुद्वारे, फिर वहाँ से तबला क्लासेस। तो मैं आपको मिलाऊंगा देवेंद्र से और ईश्वर भाई से। ये रास्ता जाता है पीछे छोटे चौराहे, और ये जा रहा है बड़े चौराहे की तरफ। और बड़े चौराहे पहुंचते ही मेरा दोस्त बाहर खड़ा हो गया, देवेंद्र भाई का फोन आया, अभी वेट कर रहा है भाई। भाई ने बोला था एक्चुअली 9 बजे का टाइम है, लेकिन एक दो बार में 9 बजे पहुंच गया तो भी वेट किया, तो इसलिए मैं आज थोड़ा आलस कर गया। गलती भाई की नहीं है, गलती मेरी है कि मैं लेट कर गया थोड़ा, क्योंकि तो भाई को फिर क्या आगे भी काम पे जाना होता है ना। ये तो भाई का बड़प्पन है कि हमको सिखा रहा है। और उप्स लगी पैर में, तो है ना गलती मेरी है। देवेंद्र सॉरी, मेरे भाई ईश्वर भाई सॉरी, मेरे चक्कर में आप दोनों लेट होते हो, बाकी अब नहीं होंगे, बस आ रहा हूँ मैं ना, बस पहुँचने वाले हैं। जिन लोगों को गुरुद्वारे की जानकारी नहीं है उनको बता दूँ कि वो जो झंडे जैसा देख रहे हैं आप लोग, उसे झंडा कहते हो, लेकिन गुरुद्वारे में जाने वाले या गुरुद्वारे की नॉलेज रखने वाले पंजाबी जो लोग होते हैं, सिख समाज जो, तो हम इसको निशान साहिब बोलते हैं। हर गुरुद्वारे में मिलेगा आपको ये निशान साहिब। और ये है दादाबाड़ी, ये जो दीप रेडीमेड देख रहे हो इसके अंदर कटला, या मेरे दोस्त हैं रिंकू भाई, उनकी शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की, मेंस वेयर। और मौसम गिफ्ट शॉप भी अंदर है। और सामने गुरुद्वारा है, मेरा भाई देवेंद्र बोल रहा था कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, गुस्से में नहीं हो भाई, गुस्से में हुआ ना तो आज मेरी वाट लगनी पक्की है। तो मैं भाई को अभी दिखाऊंगा वीडियो में, वो खड़ा खुद फ़ोन पे लगे हुए हैं भाई साहब, वो देखो देवेंद्र भाई, कुल मिला के ब्लू कुर्ते में हैंडसम लग रहा है। ये हैं देवेंद्र, ये इनका मैंने गुरुद्वारे का कीर्तन का वीडियो दिखाया था आपको ब्लॉग में। अब भाई मुझे भैया भी गुरुद्वारे में, तो ये हमें तबला सिखाते हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे भाई हैं। सॉरी देवेंद्र लेट हुआ उसके लिए, मैं एक दो बार आया था जल्दी, तो अपन देर से चले, मेरे को आलस आ गया, मैंने कहा कि जल्दी चलने का कोई नहीं। मैं एक बार दिखा दूं भाई ब्लू कुर्ते में जा चढ़ा है, हम गरीबों के सनी देओल हैं। और देवेंद्र एक बार हाय बोलता ना मेरे देखने वालों को, भैया आप भी हाय बोलना, हेलो। तब मैं आपको दिखाता हूँ, ईश्वर भाई से मिलाता हूँ, क्लास में चलोगे ठीक है, बाय। चलो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी क्लास। मैं भाई को हर जगह फॉलो करता हूँ, देवेंद्र को गुरुद्वारे में भी फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता हूँ, फेसबुक पे भी फॉलो करता हूँ, रोड पे भी फॉलो करता हूँ। ये हमारी क्लास है, अभी आपके सामने हम धोनी साहब पेश करने वाले हैं। धोनी साहब को तबला बजाते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, हारमोनियम बजाते हुए, ये देखो हमारे धोनी साहब। और ईश्वर भाई क्या हाल चाल, बढ़िया। मेरा ब्लॉग बन रहा है, मेरा ब्लॉग बनना है, तो मेरे देखने वालों को हाय बोलो। हाय, कहाँ से हो आप? रामगंज मंडी। तो भाई का सब्जेक्ट ही म्यूजिक है, हम साथ में सीखते हैं देवेंद्र से, ये हमारी क्लास है। ये हैं तबले, इनको निकालेंगे वन बाय वन, मैं इनको निकालता हूँ, पहले छोटा वाला निकालता हूँ इनको, तो ऐसे निकालते हैं इनको, ये इनको रखेंगे, ये सेट किया इनको, इनके ऊपर ये ऐसे,
अब बड़ा वाला निकालते हैं। ये मैंने सेट किया, अब इसको हटाया और ये कश्मीरी वापिस बजा दो, अभी जो बजा रहे थे इससे पहले। ये अभी तो तबला क्लासेस से मैं निकल रहा हूँ। ये हमारे ईश्वर भाई, आप प्रामेल मंडी से आ गए ट्रेन से? कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। भाई 80 किलोमीटर की दूरी तय करके रोज अप डाउन करते हैं सीखने के लिए, इसे कहते हैं पैशन। और ये हमारे गुरुजी देवेंद्र, टैलेंटेड बंदा खड़ा है आपके साथ, टेंशन की बात नहीं। देवेंद्र ये है टैलेंटेड बंदा, मेरा दोस्त देवेंद्र, मेरे भाई। कुछ कहना चाहोगे म्यूजिक के बारे में? मेरे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहो म्यूजिक के बारे में? सीखना चाहिए, मन से सीखो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट आता है अंदर। और मैं इस क्लासेस में यहाँ पे आता हूँ, ये है स्वर रोहन क्लासेस, दादा बड़ी गुरुद्वारे के पीछे है, नंबर नीचे आ जाएगा। और ना कोई भी एक्टिंग सीखनी हो, म्यूजिक सीखना हो, सिंगिंग सीखनी हो,
रोहन भैया से, रोहन सर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर मैं दे दूंगा नीचे। और अभी मैं आपको गुरुद्वारे दिखाऊंगा। मेरे दोस्त के घर देवेंद्र से के घर से निकला हूँ। गुरुद्वारे में एक चीज़ बता दूँ, जब भी जाओ माथा ढक के जाना। तो माथा ढकने के लिए हर गुरुद्वारे में इसे बास्केट होती है, वहाँ से आप प्रमाण ले सकते हो, जिसे मैंने लिया। तो जो मैं बोल रहा था निशान साहब, जो होता है निशान साहब, यहाँ पे माथा टेक के परिक्रमा लगाते हैं। चलते हैं आगे ऊपर, यहाँ से बास्केट से रुमाल लेते हैं माथा ढकने के लिए, और हम चलेंगे ऊपर बाबा जी के माथा टेक। ये गुरुद्वारा मैं आपको पहले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर से दिखा रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ जाएंगे अंदर, ये अंदर भी बाबा जी है, यहाँ पर भी माथा टेकते हैं। कूलर है, निशान साहब देख लो, गुरुद्वारा ये है, ये हॉल है, और यहाँ पे हम प्रसाद लेंगे। वैसे कड़ा प्रसाद होता है, लेकिन आज नहीं, देख सकते हैं, ये मेरा फेवरेट प्रसाद है। तो ये था मेरा आज का तबला क्लास और गुरुद्वारे का ब्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऑब्वियसली अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।